हेलो दोस्तों, नमस्कार। फूड मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़ें। ठंड के मौसम में लिट्टी और कचौरी की बात ही अलग होती है, तो मैंने भी आज बनाया है मटर की कचौरी। ठंड में मटर बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, तो आप भी इस रेसिपी को लास्ट देखें और इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी काफ़ी टेस्टी लगेगा। ये देखने में बिल्कुल ही खास्ता और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। यहाँ पे हमने मैदा लिया है, मंगरेला अजवाइन लिया है, नमक लिया है और हल्का सा तेल भी मिलाया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका हम डो बना लेंगे। ये हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमने एक फ्राई पैन में हल्का सा तेल लिया है, जीरा लिया है और क्रश किए हुए गार्लिक लिए हैं, हाफ कटोरी प्याज लिए हैं मैंने, और इसे ब्राउन करेंगे। मटर जो मैंने बॉईल किया है उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। 5 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पे इसमें मसाला ऐड करेंगे। जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंफ, नमक, यहाँ पे हमने इसे अच्छे से ऐड कर दिया और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब ये मिश्रण हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल चुके हैं। अब जो डो हमने बनाया था उसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे और इस तरह हाथों से राउंड शेप देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चिकनाहट हो चुकी है आटे में। अब 1 स्पून हम इसमें ये मिश्रण फिल करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम इस सारे मिश्रण को इसमें फिल करने के बाद सारी कचौरी को बना लेंगे। ठंड के मौसम में बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप भी घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं ये डिश आपको कैसा लगा। एक एक करके हमने यहाँ पे सारे इस तरह से बना दिए हैं। बीच से कहीं मोटा ना रहे इस बात का ध्यान रखें, सारे इक्वल में रहें, तभी ये खास्ता बनकर के तैयार होगा। ये देखिए, हमने ढेर सारे यहाँ पे बना लिए। अब हमें एक फ्राई पैन में ऑयल को लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके हम इसे यहाँ पे अच्छे से तल देंगे। फ्लेम को ना ज़्यादा हाई रखें ना ज़्यादा लो रखें, मीडियम फ्लेम पर इसे बनाएँ। आप देख सकते हैं कि हमने ना मोटा रखा था ना पतला रखा था, इसलिए कितनी अच्छे से फूल रही है सारी कचौड़ी। अभी लगभग एक साइड से बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक पॉट में निकाल देंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है। तो हम फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।